आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो रिन, आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको क्या फाइंड करनी है, हीट एनर्जी फाइंड करनी है 10 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, एंड आपको लगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन आर, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन आर 336 किलो जूल केजीनवर एंड 2260 किलो जूल केजीनवर। ठीक है, आपको लगा है कि रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दैट मीन्स स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आपके पास 336 केजी इंटू एक किलो जूल इंटू केजी इनवर्स। ठीक है, एंड वेपराइजेशन के लिए आपके पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ हीट जो है वो आपके पास है 2260 किलो जूल केजी इनवर्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल इंटू केजी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये क्या दी गई आपको, ये आपको दी गई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, सो ओवर आंसर ठीक है, तो देखिए आपको लगा 10 ग्राम जो आपके पास क्या आइस है, एंड आपको जो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक जो ले जाने में आपको जो है कितनी हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो आपको पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सबसे पहले तो यहाँ क्या होगा कि आइस जो है वो क्या करेगी, 0 डिग्री सेल्सियस टू, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से कहाँ चली जाएगी, आइस जो है वो आपकी 0 डिग्री वाटर तक कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। सो आइस कहाँ से कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में चली जाएगी, सबसे पहले आइस। ठीक है, सो यहाँ पे जो हीट लगेगी आपकी, ठीक है, आइस ने क्या किया, जस्ट अपना फेज चेंज किया। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, आइस ने क्या किया, जस्ट अपना फेज चेंज किया इस कंडीशन में। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास जो हीट होगी वो आपके पास होगी लेटेंट हीट। ठीक है, सो अगर उसे हम Q1 मान लेते हैं तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, Q1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ठीक है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला था, लेटेंट हीट अगर यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, लेटेंट हीट। ठीक है, एंड उसके लिए आपके पास Q1 इज इक्वल टू आपके जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे हीट मान ली Q1, तो Q1 इज इक्वल टू आपके जाएगा m इंटू l। ठीक है, m यहाँ पे हो गया मास, l यहाँ पे हो गया लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। सो यहाँ पे देखिए आपके पास जो लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो है वो कितनी दी गई आपके पास, आपको दी गई 336 किलो जूल के केजी इनवर्स। ठीक है, सो ये आपके पास यहाँ से आपके पास था 336 किलो जूल केजी इनवर्स। ठीक है, तो देखिए आपको होता है 1 किलो इज इक्वल क्या होता है आपके पास, ठीक है, 1 किलो इज इक्वल टू आप 10 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया इंटू 10 की पावर 3 जूल इंटू केजी इनवर्स। ठीक है, जूल इंटू केजी इनवर्स। ठीक है, एंड मास क्या क्या हो गया यहाँ से आपके पास, मास इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, देखिए ये आपके पास है 10 ग्राम। ठीक है, एंड 10 ग्राम, ठीक है, एंड ग्राम को जो आपको होता है आप जो 1 केजी जूल कितना होता है आपके पास, 1 केजी, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास होता है 1000 ग्राम। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 1/1000 केजी। ठीक है, 1/1000 केजी। सो यहां से आपके पास जो है 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 ग्राम इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/1000। ठीक है, ये क्या 1 ग्राम, ठीक है, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। ठीक है, सो 10 ग्राम है तो 1 ग्राम की जगह आप लिख सकते हो 1/1000 केजी। ठीक है, सो ये कितना बन गया आपके पास, ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10^-2 केजी। ठीक है, सो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ठीक है, सो Q1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखिए Q1 की वैल्यू m इंटू l। ठीक है, सो m की वैल्यू आपके पास है 10^-2 केजी। ठीक है, इंटू l, l की वैल्यू कितनी आपके पास, 336 इंटू 10^3, ठीक है, जूल इंटू केजी इनवर्स। ठीक है, सो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, Q1 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा 3360 जूल। ठीक है, सो ये तो बात हुई जब आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुई। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से आइस कहाँ जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, वाटर होगा। ठीक है, अब ये वाटर में तो कन्वर्ट हो गई, अब क्या हो गया यहाँ पे, ये आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास, वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, एंड वाटर क्या होगा करेगा आपके पास, अब जो है
आपके पास जो फेज आएगा वो आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से, वाटर कहाँ पर चला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है। अब वाटर ने क्या किया यहाँ पे अपना टेम्परेचर चेंज कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो हीट होगी वो कितनी होगी, ठीक है, सो यहाँ से आपके पास हीट रिक्वायर्ड होगी वो आपके पास हो जाएगी एम एस डेल्टा टी, ठीक है। सो हम मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास हीट रिक्वायर्ड जो है वो क्यू टू है, ठीक है। सो क्यू टू इजिकल टू आपके पास हो जाएगा, क्यू टू इजिकल टू आपके पास हो जाएगा एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी, ठीक है। एम यहाँ पे मास हो गया, एस यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गई, एंड डेल्टा टी यहाँ पे हो गया चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ से देखिए क्यू टू इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू टू इजिकल टू आपके जाएगा एम, एम के वैल्यू कितने आपके पास 10^-2 kg, अभी अभी हमने फाइंड की थी, ठीक है, 10^-2 kg इंटू एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितने आ जाएगा आपके पास, वो आपको क्वेश्चन में दी गई है, देखिए यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन के अंदर, ये रही, ठीक है, कितने दी गई है, ये आपको दी गई है 4200 जूल इंटू के जी यूनिवर्स इंटू केल्विन यूनिवर्स, ठीक है। सो आपके पास हो गई 4200, ठीक है, कितनी हो गई है, ये आपके पास हो गई 4200, ठीक है, 4200 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, देखिए फाइनल टेम्परेचर आपके पास है 100 डिग्री सेल्सियस एंड इनिशियल टेम्परेचर आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये कितना हो गया 100-0, ठीक है, डेल्टा टी का मान क्या हो गया, डेल्टा टी इक्वल टू आपके पास टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, एंड फाइनल आपके पास हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल आपके पास हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपके पास कितना हो जाएगा, डेल्टा टी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो आपके पास आ गया 100, ठीक है। सो यहाँ से क्यू टू इक्वल टू आपके पास आ गया, क्यू टू इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू टू इक्वल टू यहाँ से आपके पास हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो गया 10^2 एंड 10^-2, ठीक है। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा 4200 जूल, ठीक है, 4200 जूल, ठीक है। सो ये आप यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, ये आपके पास अभी वैल्यू ऑफ क्यू टू, ठीक है। एंड अब देखिए, अब वाटर यहाँ पे किस में कन्वर्ट होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है। अब आपके पास जो फेज बनेगा वो क्या बनेगा, अब आपके पास ये वेपर में कन्वर्ट हो रही है, आपको लगा ना स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन बोला गया स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो अब यह क्या करेगा, अब जो वाटर जो है वो क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम या फिर वेपर के अंदर, ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सो वो हीट आपके पास रिक्वायर्ड होगी, देखिए अगर हम हीट रिक्वायर्ड अगर क्यू थ्री मान लेते हैं, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड अगर हम क्यू थ्री मान लेते हैं, क्यू थ्री, ठीक है, क्यू थ्री इजिकल टू आपके पास हो जाएगा ये, ठीक है। सो हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, देखिए वाटर जो है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर आपका चेंज हुआ, जस्ट क्या हुआ आपकी फेज चेंज हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो हीट रिक्वायर्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एम एल, ठीक है, दैट मीन्स मास इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास कितना हो गया, ठीक है, देखिए मास तो आपके पास 10^-2 kg अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, ठीक है, इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। सो देखिए यहाँ से आपको पास जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी दी गई, 2260 किलो जूल के जी इनवर्स, ठीक है। सो किलो को जब हम किलो है, ठीक है, किलो को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10^3, ठीक है, 1 kg इजिकल टू कितना होता है आपके पास, 1 किलो इजिकल टू आपके पास होता है 1000 ग्राम, ठीक है। सो ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बेसिकली हम किलो क्या करेंगे यहाँ पे, किलो जो है 1 किलो इजिकल टू क्या लिख सकते हो आप, 10^3, ठीक है। सो हम क्या लिख दें, 10^3 लिख दें, ठीक है। यहाँ पे जो के जी को 1 kg इजिकल टू 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 1 किलो को हम जो ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम जो केवल डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है लिख देंगे, ठीक है। सो 1 किलो की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, ठीक है, सो 1 किलो इजिकल टू आपके पास होता है 10^3, ठीक है। एंड अब वो आपको दी गई थी 2260, ठीक है, 2260, ठीक है, किलो जूल इंटू के जी इनवर्स, ठीक है, आपको दिया गया था, ठीक है, क्या दिया गया था, किलो जूल इंटू के जी इनवर्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है किलो जो है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम 10^3, ठीक है। सो हमने किलो को लिख दिया 10^3, ठीक है, इंटू के जी इनवर्स, ठीक है, ये कितना बच जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जूल जूल इंटू के जी इनवर्स, ठीक है। सो आपके पास हो जाएगा 2260 इंटू 10^3, ये आपके पास जूल इंटू के जी इनवर्स, ठीक है। सो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है, सो क्यू इजिकल क्यू थ्री इजिकल टू आपके पास हो जाएगा, यहाँ से हीट रिक्वायर्ड क्यू थ्री इजिकल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया यहाँ से, ये हो गया 22600, ठीक है, 22600 जूल, ठीक है। सो आपके पास आ गई क्यू थ्री की वैल्यू, ठीक है। सो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, अगर टोटल हीट रिक्वायर्ड को अगर हम क्यू मान लेते हैं तो आपके पास कितनी हो जाएगी, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, ठीक है। सो यहाँ से टोटल हीट रिक्वायर्ड क्यों कितनी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटल हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो आपके पास हो जाएगी यहाँ से क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, ठीक है। सो देखिए क्यू वन की वैल्यू कितनी आपके पास, क्यू वन की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी आपके पास, देखिए क्यू वन की वैल्यू आपके पास आई थी
3360 जूल, ठीक है, 3360 जूल, 3360 जूल प्लस Q2, Q2 वैल्यू कितने आए थे आपके पास, 4200 जूल, 4200 जूल, ठीक है, प्लस Q3, Q3 वैल्यू कितने आए थे आपके पास, 22600 जूल, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास ये टोटल कितनी आ गई, ठीक है, जूल, ठीक है, सब जो किस में है, जूल्स के अंदर है, ठीक है, जितने भी एनर्जी है सारी सारी जूल्स में, ठीक है। सो यहाँ से देखिए टोटल आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल हीट रिक्वायर्ड Q इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा 30,160 जूल, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज 30,160 जूल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।